बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक। वी विल डू वर्क ऑफ सिक्स पीरियड्स इन टुडेस लेक्चर फ्रॉम पेज नंबर 12 टू पेज नंबर 19। आवर टुडेस टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्टली वी लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मल्टीप्लाई करना सीखा था। हेयर द प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल रिमेन सेम। Multiply numbers up to six digits by this number. Firstly, we look the pattern of zero. Example number 8. We have example number 8. Multiply 7. Multiply 7 by this number. Look at the pattern of 0 below. Here we have 4 steps. In step 1, 7 ko hum multiply karte hain 1 ke saath. We got 7. Then 7 ko aapne 10 ke saath multiply karna hai. 7 multiply 10. It will be 70, then 7 multiply 100. 7 multiply 100, 700, and then 7 multiply 1000. 7 multiply 1000. It's give 7000. Okay, isko kehte hain zero pattern. Zero पैटर्न, जीरो पैटर्न। ओके, मल्टीप्लिकेशन में ये था जीरो पैटर्न। अगर आप एग्जांपल नंबर 9 को देखें तो सेम एग्जांपल नंबर 8 की तरह है। एग्जांपल नंबर 9 है, आपने 39 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ। सेम एज एग्जांपल नंबर 8, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, 39 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 39। देन 39 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 390 आएगा। देन 39 को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड आफ्टर दिस 39 को आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हम जो देख रहे हैं वो है ज़ीरो पैटर्न। ठीक है, ज़ीरो पैटर्न से मुराद क्या है कि आपके पास जो नंबर है उसमें सारे ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 10, 100, 1000, लेक, इस तरह से। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके इसको बोलते हैं ज़ीरो पैटर्न, और इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 984 बाय दिस नंबर। अब इसमें भी जीरो है तो जीरो पैटर्न किस तरह से होगा, सबसे पहले आप 984 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 984 को 10 के साथ। सो देखिए, अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कोई भी हो, यहाँ पर आपके पास एक जीरो है तो सेम नंबर वही लिखेंगे और एक जीरो लगा देंगे। अगर आपके पास मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट भी की जा सकती है। 984 को अगर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ तो देखें यहाँ पर दो जीरोस हैं, तो आपने 984 लिखना है और दो जीरोस आगे लगा देना है। सिमिलरली आपके पास ये 1000 है, अब अगर देखें तो इसमें तीन जीरोस हैं, तो आपने क्या करना है, 984 लिखना है और तीन जीरोस आगे लगा देने हैं।